हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका यूपीएससी समाचार न्यूज एनालिसिस में। और आज हम देखेंगे 11 और 12 मार्च 2021 की द हिंदू की जो भी न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। इस सेक्शन में अपन डिस्कस करते हैं प्री मेंस के हिसाब से जो चीज इम्पोर्टेंट है, कैसे पूछी गई थी और आपको किस तरीके से वो प्रिपेयर करनी है, और कुछ को मैं डिटेल में लेके चलता हूँ इसमें। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट मी, माई नेम इज डॉक्टर अमित एंड आई हैव डन MBBS फ्रॉम स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेज चेन्नई। उसके बाद मैंने एज अ मेडिकल ऑफिसर सर किया हरियाणा गवर्नमेंट में। यूपीएससी IAS इंटरव्यू आई हैव गिवन 3 टाइम्स एंड आई हैव क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ 2019। आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगी। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, कंसीडर सब्सक्राइबिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC या फिर स्टेट PCS, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। पहला जो न्यूज है हमारी, पहली जो न्यूज है, इट इज अबाउट केरला हाईकोर्ट रीस्ट्रेनिंग सेंटर ऑन द IT रूल्स। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने IT रूल्स में चेंज किए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने तीन जो लेवल रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इधर इस बॉक्स में लेवल 1 सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर्स, एंड लेवल 2 इज सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स। मतलब पहले तो पब्लिशर खुद करे, फिर उसके ऊपर जो बॉडीज हैं वो सेल्फ रेगुलेट करें, देन द थर्ड अभी जो ऐड किया गया है ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि जो आपका टीवी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसमें ऑलरेडी रेगुलेटर्स हैं, तो टीवी OTT प्लेटफॉर्म्स और ये सब जो नए आ रहे हैं डिजिटल कंटेंट वाले, तो उनमें भी एक रेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि वहां पे कंटेंट अलग अलग तरीके से डाला जा रहा है और उससे कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक बैलेंस की बात कर रही है, बट अगेन राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सॉरी, तो वहां पे अगर अपन देखें तो अपना फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, और इसी को लेके एक पिटिशन डाली गई है यहाँ पे केरला हाई कोर्ट में। तो उसी को लेके सेंटर को रिस्ट्रेन किया है कि अभी इनको रोक लगा दी जाए। इस बारे में आप सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिलिमिनरी मीन्स दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म आपको यहाँ पे दिख रही है, चिलिंग इफेक्ट, तो चिलिंग इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली एक काम को होने से पहले ही चिल कर दिया, रोक दिया, तो वो ये सेडिशन के कंटेक्स्ट में भी यूज किया जाता है और यहाँ पे इसके कंटेक्स्ट में भी इसको यूज किया जा रहा है। फिर एक नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट प्रोवाइडिंग कवर टू होमोसेक्सुअल वुमन। तो यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फ्रॉम जेंडर आइडेंटिटी, इस टॉपिक को मैंने डायरेक्टली TIT सीरीज फॉर मेंस, दैट इज टुडेज इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी, और आपको जैसे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो भी वहां पे सारी की सारी टॉपिक्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। उसको डिटेल में कर लीजिए। बेसिकली क्या है कि 21st सेंचुरी एंड जो वैल्यूज और मतलब नॉलेज की कमी, और उसकी वजह से पेरेंट्स को क्या लगता है कि ऐसा होमोसेक्सुअलिटी जैसी कोई चीज होती नहीं, दे कंसीडर इट एज एन इलनेस। देर आर मैनी डॉक्टर्स ऑल्सो जो इसको इलनेस ही समझते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट अपन सेक्सुअल आइडेंटिटी सबकी अलग अलग हो सकती है, इवन ए मेल कैन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ गर्ल, तो ये भी ऐसा ही होता है, और गर्ल भी अपने आप को मेल कर सकती है, तो दे अंडरगो सेक्सुअल चेंज ऑपरेशन, तो उसके हिसाब से ही रहता है। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टर्म्स रहते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर, क्वीर्स, तो ये आपको सारी की सारी पता होने चाहिए। और यहाँ पे एक जो आ रहा है कि NGO एक्ट नाउ फॉर हारमोनी एंड द डेमोक्रेसी अनहद, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को आप अपने एग्जाम्पल फैक्ट और जो जजमेंट वाली मैंने बताई थी, तो उसमें आप नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स में अच्छा रहेगा। देन यूपी पंचायत बैंस हाफ पैंट, ये देखिए ये डिक्टेट है यूपी पंचायत का, कि मतलब ठीक है, लड़कियां अगर सिटी में काम कर रही हैं तो दैट इज फाइन, वो जीन्स पहन सकती हैं, बट जो वो घर में रह रही हैं तो वो जीन्स नहीं पहन सकती, उन्हें ट्रेडिशनल वियर्स ही पहनने पड़ेंगे। तो एक तो जो आपका बनता है खाप का जो इशू बनता है, कि खाप लीगल इलीगल, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कहा था कि खाप सर इलीगल, और इस टाइप के कोई भी डिक्टेट वो जारी नहीं कर सकते जो आपके राइट टू लाइफ से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये आर्टिकल 21 से। ये सवाल यूपीएससी में आ सकता है कि इस टाइप का डिक्टेट किस आपके फंडामेंटल राइट को इफेक्ट कर रहा है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और एज एन एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है कि कैसे ये हमारी सोसाइटी में भी जो क्लैशेस चल रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन वर्सेस ट्रेडिशनल जो वैल्यूज है उनके बीच में, वो
केस फॉर अ रिवैम्प्ड नीड बेस्ड पीडीएस। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंडिया में इसको डेवलप किया गया था, जो अपने पुअर लोग हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कि भाई उनको सस्ता अनाज मिल जाए। तो इसका इवोल्यूशन अपन देख लेते हैं। प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस इन द पीडीएस सिस्टम और कैसे अभी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इनकी सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ पीडीएफ, पीडीएस 1940s से शुरू हुआ। टारगेटेड पीडीएस आपका 1997, अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें डायरेक्टली उनको बहुत ही कम रेट में जैसे दिया जाता था। तो 2000 पीडीए कंट्रोल ऑर्डर, ये अपने काम का नहीं है। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहाँ पे राइट टू फूड केम आउट एज अ फंडामेंटल राइट। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसको आप ध्यान रख लीजिए, 2001। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसने लीगल राइट प्रोवाइड किया। अब अगर अपन बात करें कि राइट टू फूड, ये फंडामेंटल राइट 21 के ओवरऑल कंटेक्स्ट में है, बट राइट टू फूड इज अ लीगल राइट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल हम इसको नहीं बोलेंगे। फिर ये देखिए, ये सुरेंद्र जी का हिंदू में आता रहता है ऐसे कार्टून्स, तो डिस इन्वेस्टमेंट पे ये कार्टून है। तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली व्हाट इज डिस इन्वेस्टमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट जो अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करती जाती है इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो उसको हम बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ये अलग अलग तरीके से होती है, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी पहली बार जब आप पब्लिक में जा रहे हो, अनलिस्टेड जो पीसीयूज हैं उनको जब पहली बार पब्लिक में लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। उसके बाद जब दोबारा जाते हैं तो वो लिस्टेड हो गई है, अब दोबारा जाओगे तो फिर फॉलो ऑन ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर्स को बेच रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशनल कुछ ही इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि भाई आप उसके शेयर्स ले लीजिए या फिर उनको इन्वेस्ट कीजिए, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और ये सब। सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सवाल आते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें क्या होता है कि इस रूट के डाइवर्स्ट करती है, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालती है थ्रू ए सिंगल ऑफरिंग और डाइवर्स सेक्टर्स में, मतलब एक ही अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया जाएगा, ताकि उससे रिस्क आपका जो है वो मैनेज हो जाता है। जैसे एक ही वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि नेवर कीप योर ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, जैसे एक ही जगह रखोगे फूटे तो सारे फूटे, तो इसलिए थोड़ा सा अलग रखना है। क्रॉस होल्डिंग्स मतलब एक जो लिस्टेड पीएसयू है वो दूसरी लिस्टेड पीएसयू क्रॉस, ठीक है, क्रॉसिंग द फ्लोर टाइप। फिर इसमें दो चीजें हैं अपने पास, स्ट्रेटेजिक सेल एंड द प्राइवेटाइजेशन। स्ट्रेटेजिक सेल में क्या है कि स्ट्रेटेजी आपके पास ही है, लेस देन 50% आपने दे दिए। प्राइवेटाइजेशन में मोर देन 50% आपने सेल कर दिए। दो तीन टर्म्स इसमें आते हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड द बायबैक। कॉर्पोरेटाइजेशन क्या होता है? कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी फिर कॉर्पोरेट सेक्टर कमर्शियल लाइंस में जब हम पीएसयू उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो अपना कॉर्पोरेटाइजेशन। बायबैक क्या होता है? आप अपने खुद के ही शेयर दोबारा से जब खरीद लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायबैक। फिर ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है? रामागुंडम, ठीक है, रामागुंडम कहाँ है? तेलंगाना। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, रामागुंडम तेलंगाना। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट। तीन चीज याद रखेंगे। चाइना होप्स क्वाड मीट विल बी कंडिसिव टू द पीस। इसमें क्या है कि जो चाइना इंडिया रशियन रीजन एग्रेशन, चाइना इंडिया, तो यहाँ पे क्वाड जो बनाया गया है, चार मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड चलिए फोर्थ आप मुझे बता सकते हैं। तो इसमें इन चारों को मिलके यहाँ पे आप इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, और चाइना चाह रही है, चाइना को लगता है कि उसको कंटेन करने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि पीस मेंटेन रखो बस। सो श्रीलंका इनवाइट्स म्यांमार जनता, यहाँ पे बीमस्टेक की वर्चुअल मीटिंग के लिए इन्होंने इन्वाइट किया। तो बीमस्टेक हमें पता होना चाहिए, बीमस्टेक क्या है? रीजनल है ये। देखो बीमस्टेक की ट्रिक क्या है, BIMSTEC, तो बी से इसमें सारे के सारे नाम से ही आपके आ जाते हैं। बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, लास्ट के जो दो हैं ई और सी, उसको आप रिप्लेस कर दो नेपाल और भूटान से, तो ये आपका हो जाएगा बीमस्टेक, यानी साउथ ईस्ट और साउथ एशिया को कनेक्ट करता हुआ। सार्क इज ऑल अबाउट साउथ एशिया, ये इसको कनेक्ट कर रहा है। इसकी ट्रिक ध्यान रखना यही रहेगी। व्हाई द रीजन मैटर्स, क्योंकि यहाँ पे 1/5 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 2.7 ट्रिलियन, चलो ठीक है इतना ज्यादा तो है नहीं बट ठीक है, फिर भी पॉपुलेशन सफिशियंट है उस हिसाब से ध्यान रखना है। GDP ओके ओके।
इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी रीजनल सारे के सारे अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट रहते हैं। इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं? सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सबके ये रहेंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस म्यूचुअली अच्छे से एग्जिस्ट करेंगे, ये कुछ नहीं। ये मेंस के जनरल पॉइंट्स हैं, ऐसे ही ध्यान रखना है कि भाई हर चीज में फिट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है टेबल, सार्क और बीम स्टैक इन दोनों में अंतर। पहला सार्क है सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया के लिए, एंड इधर ये क्या है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कंबाइन करते हुए। ये बना था 1985, बहुत पुराने ऑर्गेनाइजेशन है ये। उसके 12 साल बाद 1997 पोस्ट कोल्ड वॉर, ये प्री या ड्यूरिंग हम बोल सकते हैं, जो आपका 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, उससे पहले उसके बाद देन मेंबर जो है वो सारे बताइए सार के। इधर अपने अभी मैंने ट्रिक बता दी, रीजनल यहाँ पे इश्यूज बहुत सारे हैं कि रीजनल पॉलिटिक्स है, एसिमेट्रिक पावर बैलेंस है, मिल ही नहीं रहे, सिर्फ 5% ही ये ट्रेड को मतलब बना पाया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, बट स्टिल एशियन वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, एशियन को कनेक्ट कर सकते हैं बीमस्टेक से, तो एक बेटर अल्टरनेटिव अपना आ सकता है। आज की देखते हैं, ज्यादा न्यूज है नहीं आज की। एक पंजाब में स्टडी हुई है अबाउट एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो इकोनॉमिकल इंपैक्ट ऑन द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑन पंजाब पेजेंट्री, उस पर बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि 67 FPOs जो है उनकी वजह से जो इंक्रीज इन इनकम रहा है, डबलिंग द फार्मिंग इनकम, ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। ट्रेडिशनल परंपरागत फार्मर से रिलेटेड सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट है प्री मेंस इंटरव्यू। एंड दिस इज द न्यूज अबाउट वर्किंग टुवर्ड्स क्लाइमेट जस्टिस इन अ नॉन आइडियल वर्ल्ड। इस एडिटोरियल को पढ़ लेना, क्लाइमेट जस्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंस एसे सब में। एंड प्ली इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग द रिलीज ऑफ 150 रोहिंग्याज इन जम्मू। तो रोहिंग्या कहाँ से है, कौन सी कंट्रीज से आके माइग्रेट हुए हैं, ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। आप बताएं कमेंट सेक्शन में व्हाट इज द आंसर। इंडिया जापान स्पेस एजेंसीज रिवाइव टाइज, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की कौन सी है इसरो एंड जापान की कौन सी है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये बहुत सारे मिशंस में काम कर रही हैं। इंपॉर्टेंट क्या है अपना, लुपेक्स। लुपेक्स क्या है, ज्वाइंट लोनार लू पी पोलार एक्सप्लोरेशन EX, तो लोनार पोलार एक्सप्लोरेशन। एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग मार्स के लिए, जो अपना है वहां पे, सॉरी मून पे। मून पे आप क्या, लैंड एंड लैंडर एंड रोवर, ऑर्बिटर जो चारों तरफ घूमता है, लैंडर जो लैंड कर जाता है, रोवर जो वहां पे चल के उतर के चलने लग जाता है। सो दिस इज इट इन दिस सेक्शन ऑफ यूपीएससी समाचार। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।